आवास योजना व छात्रवृत्ति की राशि अविलंब वितरित करने, क्लोज और मर्जर एक शाला एक परिसर, सीएम राइजिंग स्कूल जैसी नीतियों के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति रद्द करने व शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला गुना में छात्र संगठन DSO ने 10वां कॉलेज छात्र सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा जनगीत व नाटक, हास्य नाटिका, मूक अभिनय प्रस्तुत कर सांस्कृतिक रूप से की गई। कार्यक्रम में मुदित भटनागर ने सम्मेलन में आए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब लोग लॉकडाउन में घरों में कैद थे, तब ऐसे समय में केंद्र सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से नई शिक्षा नीति 2020 थोप दी। कार्यक्रम को सचिन जैन, मनीष श्रीवास्तव ने संबोधित किया। आज छात्र संगठन DSO का गुना कॉलेज इकाई का 10वां कॉलेज छात्र सम्मेलन स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो छात्रवृत्ति की समस्या हो, आवास योजना की समस्या हो, छात्रों को किताबें ना मिलने की समस्याएं हो। जो छात्र 6,000 रुपये फीस देकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के, जो कॉलेज में व्याप्त समस्या, उनके समाधान को लेकर के आज छात्र सम्मेलन किया गया है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में मांग की गई थी कि सरकार जो शिक्षा विरोधी नीतियां बना रही है, उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्कूल व कॉलेजों में व्याप्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन संचालित करने के लिए कमेटियां गठित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए, साथ ही उन्होंने भी स्कूल कॉलेज में व्याप्त व्यवस्थाओं पर अपने विचार रखे।